बात करेंगे क्रिकेट की और उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब ने. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुड मॉर्निंग. इरफान साहब, पाक वर्सेस न्यूजीलैंड मैच जारी है, दूसरा टेस्ट मैच, और पाकिस्तान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना लिए हैं. और किस तरह से देख रहे हैं आप ये सेकेंड टेस्ट मैच, क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखें, उसमें पहली तो एक अनफॉर्चुनेट चीज ये रही कि हमने उनके 9 खिलाड़ी ऑलमोस्ट 343 पे आउट कर लिए, जो ये रीजनेबल टोटल था. जैसी विकेट बैटिंग ये प्लेसमेंट विकेट थी, हमने लास्ट विकेट से 104 रन करवा दिए, जो कि एक इंतहाई मायूस कुन कहना चाहिए. हमारी बॉलिंग कह लें, कैप्टनसी कह लें, कि आपने लास्ट विकेट से इतने ज्यादा रन कंसीड करवा लिए, और ये आपको पूरे मैच के अंदर डेंट करती रहेगी चीज, ये हिट करेगी आपको. इतनी बड़ी पार्टनरशिप आपने लास्ट विकेट से करवा ली. और उसके बाद से जब हम बैटिंग के लिए आए तो हमारे ओबियसली देखा, हमने शान मसूद अच्छा खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी 3-4 बाउंड्रीज लगाई, बट दोनों ने अपनी विकेट रैश टॉप खेलते हुए थ्रो कर दी. सबसे उसमें भी एक मिस्टेक कहना चाहिए या अप्रोच कहना चाहिए कि बाबर आजम जो हमारा कैप्टन भी है, मेन बैट्समैन भी है, वो पाकिस्तानी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा टेस्ट में रन आउट होने वाले बैट्समैन बन चुके हैं. फिर से रन आउट हो गए ना, और फिर से रन आउट हो गए उन्होंने. ये अगर देखा जाए तो 17 साल का ऑलमोस्ट टेस्ट कैरियर था जुएल मियां दास साहब का, जो 6 दफा टेस्ट मैच में रन आउट हुए थे. बाबर आजम ये अपने 6-6.5 साल के कैरियर के अंदर 8 दफा रन आउट हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से. इरफान साहब, ये बाबर आजम को जल्दी थी या फिर इमामुल हक साहब की गलती है, आप क्या कहते हैं? देखें, दोनों की कॉल के अंदर मिस्टेक है. दोनों ने पहले एक दूसरे को कॉल दी. इसमें होता ये है टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब आप रन देते हो तो कॉल देता है एक जी, दूसरा उसको फ्रॉन्ट करता है. अगर आप उसको रीप्ले में भी देखें तो दोनों ने पहले कॉल दी, फिर उसने मना किया इमाम ने, बट बाबर उसमें थ्रू कर गए थे उस टाइम पे. पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपके ऊपर जब एडिशनल प्रेशर होता है ना चीजों का, तो फिर आपसे मिस्टेक भी होती है, फिर आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कर जाते हो जो शायद आपने पहले नहीं की होती. इरफान साहब, ये एडिशनल प्रेशर किस तरफ इशारा है आपका? प्रेशर का उसी तरफ इशारा है जो हम डेली बात कर रहे हैं कि ये बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है चीज, कि अगर पाकिस्तान ये सीरीज किसी तरह खुदा ना खास्ता हार गया तो बाबर की कैप्टनसी में काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ये सेकंड टेस्ट मैच किस तरह देख रहे हैं? जी मैं ये को चांस ना दे दोबारा. बिल्कुल सही. सेकंड टेस्ट मैच क्या पाकिस्तान जीत पाएगा आपके ख्याल में? देखिए, ये जो 100 रन की पार्टनरशिप हमने करवा दी ना लास्ट विकेट की, इसने चीजें काफी मुश्किल कर दी है हमारे लिए जी. अभी भी एक रे ऑफ होप है. अभी जैसा इमाम अच्छा खेल रहे हैं, साउथ की अच्छी पार्टनरशिप दोनों की चल रही है. अगर किसी तरह हम पॉसिबल कर गए लेट्स सपोज को 50-60 की लीड लेने के लिए, जो कि थोड़ा मुश्किल टास्क नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम शायद कर पाए, बट अगर कर गए तो फिर शायद कोई थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. मैंने कहा कि हैविंग सेड दैट, कि अगर हमने जो 100 रन की पार्टनरशिप करा दी ना, ये इतनी क्रूशियल थी कि पाकिस्तान अगर 400 रन करता, 60-70 रन की लीड लेता, उनको थोड़ा सा बैकफुट पे करता, बट अब देखे ना उसी वजह से 100 रन करवाने की वजह से आपकी जो बैटिंग स्टाइल है वो फिर अगेन चेंज हो गया. आप स्लो उस पर आ गए, अपनी विकेट थ्रो करना नहीं चाह रहे, रन आउट आपका हो गया, तो कई चीजें एक दूसरे के साथ लिंक अप कर जाती है. वो फिर आपके बैक ऑफ द माइंड वो इस तरह की जो इनिंग्स है, खासतौर पे जो लास्ट बैट्समैन की तरफ से अगर इतना ज्यादा रन हो जाए तो वो आपको ये भी एक प्रेशर है. बिल्कुल बिल्कुल. इरफान सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए.